विद आवर स्टूपिड इमोशंस। यू आर अन दोस्तों, रिलीज होने जा रही है साउथ की एक और नई ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका नाम है खिलाड़ी। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होने वाली है और कब तक ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर रिलीज होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खिलाड़ी फिल्म साल 2022 में रिलीज होने वाली तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिस फिल्म के अंदर आपको मास महाराजा रवि तेजा देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म की अगर बजट की बात करें तो इस फिल्म का मैक्सिमम बजट था 30 से 35 करोड़। बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की तो इस मूवी के अंदर आपको मास महाराजा रवि तेजा, इसके अलावा मीनाक्षी चौधरी और भी कई कलाकार इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश वर्मा ने और इस फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था देवश्री प्रकाश ने। बात करें इस मूवी की स्टोरी तो इस मूवी की स्टोरी में आपको मास महाराजा रवि तेजा दो रोल में देखने को मिलेंगे, इसमें से उनका दूसरा रोल रहने वाला है एक गैंगस्टर का। दोस्तों, पूरी के पूरी फिल्म एक्शन से भरी हुई है। सबसे बड़ी बात इस फिल्म की यह है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही बॉलीवुड के स्टार सलमान खान ने इस मूवी के रीमेक राइट को खरीद लिया है। जहां दोस्तों, इस फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में भी बनने जा रहा है। और अगर बात करें इस मूवी के हिंदी डब वर्जन को लेकर तो इस फिल्म के हिंदी डब राइट्स है पेन मूवीज़ के पास और वही इस फिल्म को डब कर रहे हैं। और बात करें इसकी रिलीज डेट की तो तेलुगु लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है 11 फरवरी के दिन। और खबरें कुछ ऐसे निकल के आई है कि इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी उसी दिन रिलीज कर दिया जाएगा थिएटर के अंदर। अगर इस फिल्म के रिलीज डेट के अंदर अगर कोई भी फेरबदल होती है तो हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। अगर आप ज़रूर से बताइएगा कि इस फिल्म का वेट आप कितने ज़्यादा बेसब्री से कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।